हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, ज़रूर बताना। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, जो ब्लॉग्स देखते हैं, कल जिसने ब्लॉग देखा होगा उसी को पता है मैं कहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर बता देता हूँ, मैं घर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर जो मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं उनको तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बताने की, पर फिर भी कई नए जुड़ते हैं तो उनको पता नहीं चलता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं कल ही घर पहुँच जाऊँ, कल शाम को। तो अभी दोस्तों मैं फिर कहीं चल पड़ा हूँ। अभी तो मैं स्प्रे की दवाइयाँ लाने जा रहा हूँ, ऊपर बाज़ार जैसा है गाँव से, ऊपर थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का रास्ता है, तो स्प्रे करने के लिए हो चुका है। तो स्प्रे करते एक दो दिन में अभी मैं चल पड़ा हूँ। और आज मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, तो आजकल तो साफ ही है मौसम, आप देख सकते हैं पीछे, तो कुछ इस तरह का है आज। और आप देख ही सकते हैं यार, ऊपर से सीधी धूप आ रही है। अभी मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे ऊपर। और देखो वहाँ पर है पीछे गांव, कल भी दिखाया था आपको मैंने, यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको ये पेड़ के साथ नीचे। तो सामने का व्यू देख सकते हैं आप, क्या ही व्यू लग रहा है आज। तो दोस्तों अपने गाँव में पहुँच चुका हूँ, फाइनली कल ही पहुंचा। तो पिछले ब्लॉग को देख लेना, अगर नहीं देखा तो देख लेना यार। और देखो पीछे, अभी मैं चलता हूँ आपसे, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो एक बार आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से, क्या ही व्यू लग रहा है। ये पीछे वाला जो एरिया है, ये वाला सारा डिस्ट्रिक्ट मंडी वाला है, और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, और ये पार वाला इलाका जो है ये सारा डिस्ट्रिक्ट उल्लू का है। और साथ ही ऊपर है स्कूल, और यहाँ पर पता नहीं क्या होगा, पहले यहाँ पर हॉस्पिटल था और अब हॉस्पिटल यहाँ नीचे है, यहाँ पर बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखो ये है स्कूल, यहाँ पर मैं पढ़ा था 6th तक, देन फिर मैं आनी चला गया। सो दोस्तों ये है डिगेट स्कूल, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ऊपर, तो अंदर दिखाता हूँ थोड़ा बहुत आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है डीएड स्कूल, यहाँ यहाँ पर मैं 6th तक पढ़ा था। तो कुछ इस तरह का है इसका ओवरव्यू। तो दोस्तों अंदर ना क्लासेस लगी है। सो दोस्तों ये है डीएड स्कूल, वापस आ चुका हूँ और काम हो चुका है, अभी मैं चल पड़ा हूँ वापसी। और तो वापस चल पड़ा हूँ घर की तरफ, और अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर जहाँ कल पहुँचा था रोड में, वहाँ भी फिर से पहुँचा हूँ। तो अभी चला हूँ और दवाइयाँ ले आई है, और ये देखो रोड में पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पर एक दो बाइक खड़ी कर रखी है, और अभी दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से यहाँ से आगे का व्यू, क्या ही व्यू लग रहा है यहाँ से। सो ये देखिए दोस्तों, क्या ही व्यू लग रहा है यहाँ से। और देखिए ये नेट लगा रखी थी पीछे, और ये देख सकते हैं आप क्या ही व्यू है सामने का, पहाड़ी पहाड़ है, और ये वाइट वाइट सा, ये सारी नेट लगाए, ये सारी नेट लगा रखी है। तो अभी मैं चल पड़ा हूँ, और मैं आपको बता रहा था ऊपर से ये हॉस्पिटल है यहाँ नीचे, ये देख सकते हैं आप नीचे, ये तो मैं घर में पहुंच चुका हूं और अभी बैठा हूं। तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी बाहर, तो सिर में दर्द हो रही है, और अभी मैं रेस्ट करता हूं, थोड़ा बहुत काम भी है मुझे करने के लिए। तो मैं काम करके मैं आपको मिलता हूं थोड़ी देर बाद, यानी कि शाम के टाइम। तो तब तक के लिए इस ब्लॉग में बने रहना। अभी ना दोस्तों शाम के 4:30 हो चुके हैं, और अभी क्योंकि दिन को ना मैंने ब्लॉग दिन को ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, बिकॉज़ दिन को काफ़ी ज़्यादा धूप होती है और मैं बाहर नहीं निकल सकता, और भी कारण है, मैं थोड़ा बहुत
काम कर रहा था अपना, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे काम करते करते, और अभी मैं निकला हूँ घूमने। अभी जा रहा हूँ मैं खेत की तरफ, अभी बस रोड में हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप रोड में, और अभी जा रहा हूँ मैं खेत की तरफ। काफ़ी टाइम से यार अपने खेत को नहीं गया, 20-22 दिन बाद आया हूँ, और बस आज अभी जा रहा हूँ खेत को। क्या हाल हो रखे होंगे खेत के, और ये अभी तो रोड में हूँ और देख सकते हैं यार एकदम हरा भरा हो चुका है फिर से पहले जैसा, और सूखा सूखा अच्छा लगता है यार पहाड़ों में, हरा भरा ही अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं आप, अभी मैं आपको ले चलता हूँ फटाफट खेत में, क्या हाल चाल है वो दिखाता हूँ फटाफट जाके। और ये देख सकते हैं आप, हल्की हल्की पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, और इतनी ठंडी हवा चली है कि बोला भी नहीं जा रहा है, आवाज़ क्लियर शायद ही आ रही होगी आपको। और अभी यहाँ पर ठीक है, यहाँ ऊपर और वहाँ पर आगे काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चली है। यहाँ से देखो, यहाँ से खेत हमारा स्टार्ट होता है और बिल्कुल आगे नाले तक ख़त्म होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये खुमानी के पेड़ है लगे हुए कुछ एक यहाँ पर, इसमें तो फ्रूट भी लग गया होगा, अब तो छोटा छोटा हुआ है अभी तो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ऊपर से तो आ गया था, आपको मैंने बताया ही था, और पीछे देख सकते हैं आप यार हरा भरा हो चुका है पूरा का पूरा बगीचा, तो ऐसा है कुछ। अभी धूप देख सकते हैं आप, अभी तो कहाँ पर है धूप ऊपर, और अभी 4:30 हुए हैं यार, धूप लग रही है सीधे। तब मैं एक आँख बंद कर रहा हूँ, तभी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं रोड में भी हरा हरा घास लगना स्टार्ट हो चुका है, और ये हमने बीजा है यहाँ पर जौ, तो ये रोड ताज़ा निकली है। तो ये रोड जो है ये पिछले साल की ही निकली है, 1 साल हो चुकी है इसे। तो आप देख सकते हैं ये है एप्रिकॉट के पेड़ सारे यहाँ से नीचे लगे, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये वाले सारे, और इसमें फ्रूट मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों ये वाला जो है, ये वाला, ये देखिए दोस्तों ये वाला फ्रूट है, ये वाला, ये हम खुमानी खाएंगे इससे, और ये काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। ये देखिए दोस्तों ये दो और ये तीन यहाँ पर लगे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लगे हैं यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ देखो दोस्तों एक यहाँ पर भी है, तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा फ्रूट हो चुका है हमारे यहाँ पर, और है काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, शायद ही आपको कैमरा में दिखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। और कहाँ पर है, यहाँ देखो दोस्तों यहाँ पर भी है एक, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये देखो, ये इसे बोलते हैं शेगड़, एक यहाँ पर एक नीचे, और ये देखो दोस्तों यहाँ से नीचे सारे के सारे ये जितने पेड़ है यहाँ नीचे तक, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक ये सारे एप्रिकॉट के हैं। बीच में हमने लगाए हैं ये एप्पल्स के प्लांट, और कुछ एक अभी लगाए थे, मैं उनको देखने आया हूँ कि टिके भी या नहीं टिके। तो ये देखो रोड के साथ ही है खेत, और यहाँ से ऊपर जाएंगे वहाँ पर भी हमारा खेत है, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो हमने प्लांट लगाए थे इस बार। ये देखिए दोस्तों ये इस बार के प्लांट्स है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हेल्दी है, और छोटी छोटी पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी है इसमें, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीच में कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं तो जो नहीं टिक पाते हैं, तो देख सकते हैं आप, ये देखो ये वाला सूख गया है, और यहाँ से परे दो लगाए हमने वो टिके हैं, और ये तीसरा ख़राब है। तो एक यहाँ पर लगाया है नीचे, ये वाला भी टिक गया है, इसमें पत्तियाँ निकलना स्टार्ट हो चुकी है। और ये देख सकते हैं आप, ये वाला पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में दब गया है, बिकॉज़ यहाँ पर रोड निकली थी पिछले साल निकली है। और ये वाला देखो, ये वाला भी ख़राब हो चुका है, दो ठीक है, तीन ठीक है, दो ख़राब हो गए। तो इसी तरह से यार कुछ एक टिकते हैं, कुछ नहीं भी टिकते हैं, ये बागवानी ऐसे नहीं होती। और ये देखो दोस्तों ये वाला भी मेरे हिसाब से ख़राब हो चुका है,
ख़राब तो नहीं, फिर भी अभी भी टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है पत्तियाँ निकलने के लिए। मेरे हिसाब से 80% जो है ठीक है और 20% जो है ख़राब हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इसमें भी हल्की हल्की पत्तियाँ निकली है, तो अभी भी टाइम है कुछ। ये वाले 3 ख़राब है, एक ये और ये। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी यहाँ पर फ्लावरिंग हो रखी है। मतलब अभी तो हल्की हल्की पिंक कलर की कलियाँ निकली हैं और कहीं कहीं तो फूल भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बैक कैमरा से दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। क्यों, ये देखो ये वाला बैक कैमरा से दिखाता हूँ, ये तो पिंक कलियाँ निकली हैं और कहीं कहीं फ्लावर भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। सो ये देख सकते हैं आप दोस्तों कैसे फ्लावर्स निकले हैं, वाइट कलर के और पिछली साइड से पिंक है और अंदर से वाइट कलर के है। तो कहीं कहीं तो अभी निकले भी नहीं है, ये देख सकते हैं आप। जहाँ भी ये फ्लावर्स निकलेंगे और जहाँ पर ये आपको ये पिंक पिंक सी कलियाँ दिख रही है, यहाँ पर सेब लगते हैं, इनमें सेब लगते हैं। तो काफ़ी अच्छी मेरे हिसाब से सेटिंग हो जाएगी इसकी। और फ्लावर्स तो यार इतने अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ, तो काफ़ी अच्छे हैं। और इधर भी है, अभी तो हल्की हल्की पत्तियाँ ही निकली है, ये देखो। और यहाँ ना यार क्या ही बोलूँ, काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चली है और यहाँ पर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। अपने खेतों में बैठने का ना मज़ा ही कुछ और है और मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब एकांत सा है, शांत सा है वातावरण, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा, मतलब क्या ही बोलूँ। इन पेड़ों के साथ देख सकते हैं कैसे हिल रहे हैं हवा से, और देखो सामने का व्यू। और इस यार नेचर ही ऐसा है, अगर आप भी यहाँ होंगे ना, अगर आप लोग में से भी कोई यहाँ होता ना, तो मतलब क्या ही बोलूँ, ऐसा मन करता है कि यहीं पर सो जाऊँ, यहीं पर लेट जाऊँ। और काफ़ी अच्छा, यहाँ देखो मैं ऐसे ही बैठा हूँ नीचे ज़मीन में, तो काफ़ी मज़ा आता है यार ऐसे घास के ऊपर बैठने का, और एक अलग ही मज़ा है। और क्या ही बोलूँ दोस्तों, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। ऐसे ज़मीन पर, धरती माता पर बैठने का ना मज़ा ही कुछ और है। तो और अगर वो खेत अपना हो वहाँ पर तो मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों का कुछ और ही फील हो रहा है, और अपना जो मतलब काफ़ी टाइम से मिस कर रहा था खेतों को, और फिर आ गया वापस। और दोस्तों ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये है अखरोट का पेड़, तो काफ़ी ज़्यादा अखरोट के पेड़ भी लगाए हैं। और देख सकते हैं धूप इस पेड़ के बीच से आंख मार रही है मुझे। दोस्तों शाम हो चुकी है, 6:10 हो चुके हैं। तो अभी मैं पहले दोस्तों आधा घंटा हो चुका है मुझे खेत से आके। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही इंस्टाग्राम में आप फॉलो भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ शेयर करना ज़रूर, ठीक है।